बच्चों गुड मॉर्निंग। पढ़ाया जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के कई नियम हैं। आज नियम हाँ नियम था कि इंटरचेंज ऑफ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस, अर्थात एक्सप्लेनेटरी और असर्टिव सेंटेंस को आपस में बदल था। इसमें ये भी पढ़ाया गया था एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदल कर, कल पढ़ाया था। और आज जो है असर्टिव उसी का उल्टा है, असर्टिव सेंटेंस को एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में बदल कर ट्रांसफॉर्मेशन बना। तो जो कल मैं पढ़ाया था एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलने का जो नियम था, ठीक असर्टिव सेंटेंस से एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस बनाने के लिए ठीक उन नियमों का उल्टा करें, उन नियमों को उलट देना। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है असर्टिव में है द म्यूजिक इज वेरी स्वीट, जिसका अर्थ हुआ संगीत बहुत मधुर है। संगीत बहुत मधुर है यह असर्टिव सेंटेंस है। तो इसको इस बार मेट्री में कह सकते हैं कि संगीत कितना मधुर है, संगीत कितना मधुर है। इस पर देखिए वेरी स्वीट है। आप जानते हैं कि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से प्रारंभ होता है तो व्हाट या हाउ वेरी या ग्रेट में बदल जाते हैं। तो यहां पर वेरी शब्द है और यह स्वीट एडजेक्टिव है, तो वेरी स्वीट। तो वेरी या ग्रेट को हम व्हाट या हाउ में बदल देंगे तो वेरी स्वीट, अब इसका हो जाएगा हाउ स्वीट, लिख देंगे वेरी स्वीट को बदल करके हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। अब इसको लिखेंगे द म्यूजिक इज, हाउ स्वीट वेरी स्वीट का हाउ स्वीट होगा उसको पहले लिख देंगे हाउ स्वीट, फिर इसके बाद द म्यूजिक इज। संगीत कितना मधुर है। दूसरे एग्जाम्पल पर आइए, दिया है असर्टिव सेंटेंस आई विश दैट स्प्रिंग वेयर इटर्नल। आई विश, मैं इच्छा करता हूं कि बसंत ऋतु अस्थाई रहे। मैं इच्छा करता हूं कि बसंत ऋतु अस्थाई रहे। अब यहां पर आई विश है, आपको मैं दूसरा नियम भी बतलाया हूं कि अगर एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में ही या उदय 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 इत्यादि से प्रारंभ हो तो उसका असर्टिव बनाते समय आई विश दैट लिखते हैं, आई विश दैट। तो अब इस असर्टिव सेंटेंस को जब एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में बदलेंगे तो आई विश दैट को हटा देंगे, आई विश दैट को हटा देंगे और उसके स्थान पर आप लिख देंगे उदय या ओदय या ओदय, कोई भी रख सकते हैं। तो आई विश दैट के स्थान पर लिख देंगे उदय, क्योंकि इस बार मिट्री सेंटेंस इफ से भी ओदय ओदय या उदय से भी प्रारंभ होते हैं। तो आई विश दैट को बदल देंगे उदय। Would that would that the spring would that the spring
where eternal. और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दी गई बसंत ऋतु अस्थाई होता। अब अगला एग्जाम्पल तीसरा एग्जाम्पल देखिए। It is said. It is said that my mother died. तीसरा एग्जाम्पल है इट इज सैड दैट माई मदर डाइड। यह असर्टिव सेंटेंस है, आपको बताया गया है कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भुर्रा से प्रारंभ होता है तो आनंद सूचक होता है, भुर्रा के स्थान पर इट इज मैटर ऑफ हैप्पीनेस या प्लेजर लिखा जाता है। अगर अफसोस की बात हो, दुख की बात हो, तो लिखा जाता है उसके लिए एलास का, और एलास के स्थान पर असर्टिव बनाते समय इट इज सैड दैट या इट इज मैटर ऑफ सारो दैट। यहां पर इट इज सैड दैट, इट इज सैड दैट भी होता है या इट इज मैटर ऑफ सारो दैट, दोनों एक ही चीज है। क्या इट इज सैड किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते समय इट इज सैड के स्थान पर हम कर देंगे एलास। और यहां पर दिस बयान बोधक सीन एलास इट इज सैड दैट हट गया, इसके स्थान पर हम लिख देंगे एलास अफसोस माय मदर डाइड। देखिए यह तीसरा उदाहरण जो सेंटेंस दिखा गया है इट इज सैड दैट माय मदर डाइड, यह असर्टिव में है, जब इसका एक्सक्लेमेटरी बना दिया एलास माय मदर डाइड। चौथा उदाहरण I wish that I were born आई विश दैट, तो बताया गया है कि अगर इस्लामिक सेंटेंस
इट से उड दैट ओ दैट से प्रारंभ हो इस इट से या उड दैट ओ दैट से प्रारंभ होता है तो आई विश और इसको हम आई विश दैट बदल देते हैं असर्टिव बनाते समय कि यह असर्टिव सेंटेंस है और आई विश दैट को हटा करके हम लिख देंगे उड दैट या ओ दैट आई विश दैट के स्थान हो जाएगा ओ दैट यहां पर हम उड दैट लिख सकते हैं या ओ दैट लिख सकते हैं फिर से स्वाद उसी तरह से लिख देंगे आई वेयर बार कंट्री और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे ऊपर का आई विश दैट आई वेयर बार इन थ्री कंट्री या सर्टिव सेंटेंस इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आई विश दैट को हटा करके वो दैट कर दिया और उसे वाक्य को उसी तरह से लिख करके वाक्य के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क या मेयारी को जब चिन्ह लगा दिया बच्चों असर्टिव सेंटेंस को इंफ्लेमेटरी सेंटेंस में बदलने की जो मैं एग्जांपल दिया हूं इसी से आधारित बहुत वर्ग के लिए पांच वर्ग दिए गए हैं आई विश आई वुड डाई इन माय ओन कंट्री दूसरा इट वाज वेरी हॉरिबल थिंग हॉरिबल मीन भयानक तीसरा है इट इज वेरी सेमफुल बिहेवियर सेमफुल माने ड्यूरिंग या लज्जाजनक यह बहुत लज्जाजनक व्यवहार है आई विश दैट आई विल बी किंग वंस मोर मैं इच्छा करता हूं कि मैं वंस मोर माने एक बार आओ वंस मोर मीन एक बार आओ मैं इच्छा करता हूं कि मैं एक बार और राजा होता पांचवा है दिस फ्लावर आर वेरी ब्यूटीफुल ये सुमन बहुत सुंदर है